Good morning students. Good morning, everyone. So now I feel you are getting comfortable with the chapter. Yes or no? Okay. Karabi is asking test five. Acha. In test five, I have started checking the papers and I have checked 20 papers, 2020. Okay. एंड आई हैव ऑब्जर्व सेटर स्टूडेंट्स के मैच हो रहे हैं मैंने फॉर्मेटिंग uh, के मार्क्स डिडक्ट नहीं किए हैं बट प्रजेंटेशन ओवरऑल ज्यादातर स्टूडेंट्स का बहुत ही खराब था दो आई है स्टूडेंट्स के आंसर सही थे Rectification में, uh, इवन विथआउट रॉन्ग और करेक्ट एंट्री डायरेक्टली आंसर आ रहे थे तो आई नो दु स्टूडेंट्स ने ऐसे ही छापा है बट एनी वे वी आर नॉट कंसर्न विद बट अच्छे मार्क्स है सबके अच्छे मार्क्स है ओके सो टेस्ट फाइव के मार्क्स आपको इवनिंग तक मिल जाएंगे ओके ट्वेंटी पेपर्स चेक हो गए हैं स्टिल आई नीड टू चेक अच्छा अब सो तो क्या है कि आपकी फाइनल एग्जाम I'm not sure, लेकिन 10th और 12th में जो प्री बोर्ड्स है वो कोशिश तो कर रहे हैं कि स्कूल में लेंगे की क्या uh, बात है? बट जनरली आई बिलीव दैट ये सब एग्जामिनेशन में कॉपी बहुत होती है तो एग्जाम तो एटलीस्ट क्या है स्कूल में बुलाकर ली जानी चाहिए दिस इज फॉर आई फील नाउ कुछ नया कंसेप्ट हम डिस्कस करते हैं सेम मेथड बट एक कंसेप्ट है इट इज कॉल्ड प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन अकाउंट सो यू मेक वन हेडिंग आई एम नॉट एबल टू हेयर आई थिंक यू आर एबल टू अनम्यूट योअर सेल्फ ओके नाउ Please note uh, right now we are going to focus on the concept which is provision for depreciation account. Now, companies follow this method provision for depreciation account. अब देखो काफी स्टूडेंट को हमेशा कंफ्यूजन होता है इन दिस मेथड बट यू शुड रिमेंबर द बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो अकाउंटेंसी कोई भी वे से करो अल्टीमेटली इट्स द सेम सो पी पॉइंट पॉइंट नंबर वन इफ वी प्रिपेयर

नाउ लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट ऑफ ऑल ये अकाउंट है क्या नाउ ये अकाउंट जो भी डेप्रीशिएशन होगा उन सब को एक्यूमलेट करेगा एक्यूमलेट का मतलब है सभी डेप्रीशिएशन सभी एसेट्स के डेप्रीशिएशन इस अकाउंट में जमा होंगे ओके सो प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट का कंसेप्ट ये है नाउ अटेंडेंस uh, अभी मैं ले लेता हूं अच्छा मुझे बताइए बाकी सब्जेक्ट में कैसी होती है अटेंडेंस देखो यहाँ पर थर्टी है आज को कितनी अटेंडेंस थी कोई मुझे बताएगा इंग्लिश में स्टार्टिंग का फर्स्ट सेशन था इंग्लिश का इंग्लिश में कितने थे आपके क्लास में से सर आज इंग्लिश क्लास नहीं थी आज फ्राइडे ओके तो कल इंग्लिश क्लास हुई थी Thursday को नहीं हुई थी थे? नहीं सर क्यों नहीं हुई थी सर सर ने मना कर दिया कि आज इंग्लिश क्लास नहीं होगी ओके okay, तो आज और कौन सी क्लास हुई थी अभी बी हाँ तो कितनी थी? Sir, से कम थी यानी अभी देखिए थर्टी प्रेजेंट है तो उसमें कितने होंगे ट्वेंटी फोर ऐसे कुछ थे अच्छा तो अटेंडेंस क्यों कम हो रही है वी आर नॉट गेटिंग द रीजन अच्छा अराउंड आज, आज एंटरप्रेन्योरशिप में भी कम थी ओके सो टुडे इज 8 जनवरी राइट ओके इज एनी इशू देखो इफ यू एक्चुअली अटेंड देन एक्स्ट्रा प्रैक्टिस इज पॉसिबल एंड यू कैन स्कोर मार्क्स तो आई एम शेयरिंग अटेंडेंस फाइल यू विल रिसीव इन ग्रुप एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ ओके जस्ट टू मिनिट्स यू हैव ओनली टू मिनट्स टू फिल दिस ऑफ ये थर्टी स्टूडेंट है जैसे ही थर्टी रिस्पॉन्स आएंगे आई विल स्टॉप और एक्स्ट्रा स्टूडेंट जो प्रेजेंट नहीं है प्लीज डू नोट मार्क एंड वंस यू मार्क दिस दिसन यू कैन हियर सो अक्षत अटेंडेंस फाइल में अटेंडेंस मार्क करनी है दैट आई हैव शेयर्ड इन ग्रुप ओके थर्टी रिस्पॉन्सिस थर्टी वन रिस्पॉन्सिस हो गए हैं ओके सो इट्स स्टॉप नाउ लुक हियर प्लीज पे अटेंशन अब कुछ स्टूडेंट अटेंडेंस वाले चले भी जाएंगे देयर पर्पस इज ओवर सो लुक हियर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अब हर इनका कहना है कि ये कट है इट माइट बी पॉसिबल देखो सीबीएसई बी एस ई में रिड्यूस समेबस बट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज नथिंग न्यू कुछ भी फर्क नहीं है सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है वही हमें समझना है तो एज सच इट्स नॉट

सो so, अब तक हमने एंट्री पास की थी uh, मैं यहां पर ऐसा लिखता हूं ओल्ड एंट्री ओके इट वॉज डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट अब यहां पर वेन वी प्रिपेयर प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन अकाउंट देन

नो no. बिकॉज no, हम एसेट की जगह पर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट करेंगे सो सो वेन यू रिमेंबर दिस एंट्री बस इतना ही फर्क है एंड वेन वी पास दिस एंट्री पॉइंट नंबर टू एसेट अकाउंट देखो अब तक एसेट अकाउंट की क्लोजिंग बैलेंस होती थी रिटर्न डाउन वैल्यू बिकॉज डेप्रिसिएशन चार्ज किया था तो एसेट अकाउंट uh, वो रिफ्लेक्ट होता था रिटर्न डाउन वैल्यू पे बट नाउ एसेट अकाउंट विल बी रिफ्लेक्टेड इन ओरिजिनल कोस्ट तो आई विल राइट हियर एसेट अकाउंट विल नॉट बी शोवन एट रिटर्न डाउन वैल्यू एसेट अकाउंट रिटर्न डाउन वैल्यू शो नहीं करेगा बिकॉज डेप्रिशिएशन इज नॉट क्रेडिटेड या फिर डेप्रिशिएशन इज नॉट रिड्यूस्ड फ्रॉम एसेट ओके okay. हेंस अगर डेप्रिशिएशन माइनस नहीं किया है तो एसेट अकाउंट कौन सी वैल्यू बताएगा ओरिजिनल कॉस्ट परफेक्ट सो हेंस एसेट अकाउंट विल शो ओरिजिनल कॉस्ट सो नाउ इतना तो इजी है ओके दिस पॉइंट ज वेरी बेसिक सिर्फ डेप्रिशिएशन के एंट्री में फर्क है नाउ दिस थर्ड पॉइंट इज इंपोर्टेंट वेन एसेट इज सोल्ड अब ओल्ड एंट्री हम क्या पास करते थे इफ एसेट इज सोल्ड यू ऑलरेडी नो okay when we are selling the asset which account should be debited first cash account is debited with the selling price again if there is a loss then which account to be debited pnl pnl and credit was in asset account at which price written down value

ओके okay, वो भी पीएल में डेबिट होगा ही होगा बट यहां पर आई विल राइट अक्यूमलेटेड या ये है ना प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट इसको मैं शॉर्ट में लिखता हूं प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट एंड टू एसेट अकाउंट अब यहां पर फर्क क्या होगा ध्यान से समझो एसेट अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बट एट ओरिजिनल कॉस्ट ओरिजिनल कॉस्ट ओके एंड प्रोविजन अकाउंट विल बी डेबिटेड विथ टोटल डेप्रिसिएशन ऑन एसेट सोल्ड बस इतना सा ही फर्क है उ माई क्वेश्चन टू यूस जो रिटर्न डाउन वैल्यू मिलती है ऑन डेट ऑफ सेल हाउ टू वी कैलक्यूलेट रिटर्न डाउन वैल्यू रिटर्न डाउन वैल्यू कैसे मिलती है फ्रॉम विच वैल्यू माइनस माइनस डेप्रिशिएट येस ओरिजिनल कॉस्ट माइनस टोटल डेप्रिशिएशन ऑन धेट एसेट उससे रिटर्न डाउन वैल्यू मिलती है तो आई थिंक नाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट अल्टीमेटली इन बोथ द मेथड्स अकाउंटिंग इज सेम बट थोड़ा सा डिफरेंस डिफरेंस है विच सेट कि अब तक हम एसेट अकाउंट को क्रेडिट करते थे विथ विच वैल्यू रिटर्न डाउन वैल्यू ओके एंड नाउ इन दिस मेथड व्हेन वी सेल द एसेट वी विल क्रेडिट एसेट अकाउंट नॉट विथ द रिटर्न डॉन वैल्यू बट विथ Which cost? Cost of asset. Cost, okay? so, आपको सिर्फ दो ही जर्नल एंट्री में चेंज है उतना ध्यान रखना है कुछ स्टूडेंट्स को ये मेथड डिफिकल्ट लगती है मेथड इज नॉट डिफिकल्ट मेथड इज सेम अकाउंटिंग हमेशा सेम होता है ओके सो दिंग इज सेट के प्रेजेंटेशन इज डिफरेंट सो हियर वोट वी विल डू हम सभी डेप्रिशिए स्पेशल अकाउंट में जमा करेंगे विच इज प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन अकाउंट देन क्या कर देंगे वेन वी सेल्ड एसेट तो उस एसेट के ऊपर टोटल जितना भी डेप्रिशिएशन है दैट वी विल डेबिट इन स्पेशल अकाउंट और प्लीज नोट प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट इज अ क्रेडिट बैलेंस दिस अकाउंट इज क्रेडिट बैलेंस ओके सो इट मीन्स सेट जब जब डेप्रीसिएशन चार्ज होगा ये अकाउंट क्रेडिट होगा व्हेन वी चार्ज डेप्रीसिएशन जैसे जैसे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे यह अकाउंट क्रेडिट होगा बट दिस अकाउंट विल बी डेबिटेड ओनली व्हेन एसेट इज सोल्ड ओके सो एवरी इन दिस अकाउंट क्रेडिट साइड में डेप्रिशिएशन आता रहेगा एंड वेन वी सेल एनी एसेट तब यह प्रोविजन फॉर डेप्रीशियन अकाउंट को डेबिट करना है बस अगर आपने इतना समझ लिया तो दिस एंटायर अकाउंटिंग इज इन फ्रंट ऑफ यू अच्छा ईशा इज आस्किंग वाई क्रेडिट ईशा दिस प्रोविशन फॉर डेप्रिशिएशन अकाउंट इज एक्चुअली वन टाइप ऑफ

डेप्रीशियेशन या फिर मैं एक अलग वर्ड्स में लिखता हूं टोटल डेप्रिशिएशन टोटल डेप्रिशिएशन लेट से ये है थर्टी थाउजेंड सो हम बताएंगे सेवेंटी थाउजेंड इन फाइनल कॉलम सो ये थर्टी थाउजेंड कौन से अकाउंट से मिलेगा

मैं सेवेंटी थाउजेंड बताता था डब्ल्यू डीवी ऑफ पर्टिकुलर एसेट ओके डब्ल्यू डीवी ऑफ एसेट सेवेंटी थाउजेंड बताता था और अब भी भी मैं सेवेंटी थाउजेंड ही बता रहा हूं आर यू गेटिंग द पॉइंट इन बोथ द मेथड्स एसेट सेवेंटी थाउजेंड पे ही रिफ्लेक्ट होगा बट बताने का तरीका अलग है टिल नाउ ंग द डायरेक्ट मेथड इन डायरेक्ट मेथड वी वी आर नॉट प्रिपेयरिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन अकाउंट ओके तो मैं डायरेक्टली एसेट की वैल्यू बता सकता था बैलेंस शीट में बट इन दिस मेथड मैं एसेट को ओरिजिनल कोस्ट पर रखूंगा एंड डेप्रीसिएशन अलग अकाउंट में जमा करूंगा लेकिन जो अलग अकाउंट में डेप्रीशियशन जमा होगा वी ऑलरेडी नो एसेट की वैल्यू कम होती है ड्यू टू डेप्रीसिएशन अगर एसेट डेबिट है तो डेप्रिशिएशन उसकी वैल्यू कम करेगा तो दिस प्रोविजन अकाउंट इज एक्चुअली द एनिमी ऑफ दिस डेबिट बैलेंस ऑफ एसेट अकाउंट तो दिस इज बेसिकली अ क्रेडिट बैलेंस सो आई हैिटीज होती है क्रेडिट एसेट्स होते हैं डेबिट अब आप सोचोगे सर ये एसेट्स तो डेबिट है फिर भी आप ये प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन अकाउंट को डेबिट साइड पे क्यों बता रहे हो आप तो बोल रहे हो कि दिस इज द क्रेडिट बैलेंस तो प्लीज नोट एसेट साइड पर कुछ भी माइनस करते हो तो बेसिकली दिस इज द क्रेडिट बैलेंस ओके सो दिस प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन अकाउंट इज द क्रेडिट बैलेंस एंड यू माइनस दिस फ्रॉम द एसेट सो अब कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए एसेट होता है डेबिट और अगर डेप्रीशियन चार्ज नहीं करते हो एसेट अकाउंट में सेपरेट अकाउंट में जमा करते हो तो हम वो अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे depreciation ने uh, depreciation को हमने अलग से जमा किया इन स्पेशल अकाउंट ताकि ईयर एंड में हम उसको इस तरह से बता सके प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन अकाउंट इज ए क्रेडिट बैलेंस सो आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू एवरी वन ओके चलिए नाउ लेट्स कम टू एनी ऑफ द क्वेश्चन लुक हियर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव

One-third of the machine installed on 1st July 15 became obsolete. Now this is very important. Full machinery, only one-third. The first April 17. Ko, one third of the machine which was purchased on 1st July 15, it means first machinery, became obsolete. It means useless.

एंड फिर भी हमारा आंसर हम इनके साथ मैच करेंगे बिकॉज अल्टीमेटली इट्स द सेम थिंग पूरा सम कंप्लीट नहीं होगा बट टूडे वी विल स्टार्ट सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट अप्रैल फिफ्टीन सो चलिए थोड़ा क्विक करते हैं सो हेयर आई एम प्रिपेरिंग द अकाउंट

एक काम कर सकते हैं मैं आप अपने दो पेज लीजिए जो बाजू बाजू में हो सो so दैट दोनों अकाउंट एक साथ आप देख सको सो लुक हियर आई एम प्रिपेयरिंग बोथ द अकाउंट साइड बाय साइड एंड इसमें मैजिक ये होगा कि एसेट अकाउंट बहुत ही इजी होगा ओके okay, और उसके फ्री के मार्क्स आपको मिल जाएंगे सो लिख हियर आई एम प्रिपेयरिंग दिस मशीनरी अकाउंट फॉर ईयर एंडिंग लुक हियर यहां पर ईयर स्टार्ट हुआ है जुलाई 15 तो खत्म होगा मार्च 16, थर्टी फर्स्ट मार्च सिक्सटीन एंड फर्स्ट जुलाई पहले सिर्फ मशीन अकाउंट करते हैं मशीन अकाउंट इज प्रिपेड एज ओ एट ओरिजिनल कोस्ट इट मींस इन दिस मेथड आपको डेप्रिशिएशन लिखना ही नहीं है मशीन अकाउंट में तो वी कैन फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीट द मशीनरी अकाउंट ओके सो फर्स्ट जुलाई 15 टू कैश अकाउंट इनटू टू ब्रेकेट एम वन मशीन वन इज परचेज कोस्टिंग कितना उज देखो मैं शॉर्टकट बता रहा हूं एंड दिस विल बी वेरी इजी फॉर यू बस मशीन आता है तो डेबिट करो जाता है तो क्रेडिट करो इट और कुछ भी नहीं करना है आज हम मशीन अकाउंट बनाएंगे कल हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी अकाउंट बनाएंगे सो so, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट कल बनाएंगे आज मशीन अकाउंट खत्म करेंगे तो फर्स्ट जुलाई एंड देन जनवरी 16 इसी साल में एक और मशीन लिया है 20,000 का तो फर्स्ट 16 अगेन टू कैश अकाउंट मशीन नंबर टू कितने का है मशीन टू टू जीरो ट्वेंटी थाउजेंड हा एक और परचेस हुआ है बट वो नेक्स्ट ईयर में है अक्टूबर 16 तो कुछ नहीं करना है 31 मार्च 16 को यहां पर आप डायरेक्टली लिखोगे बाय बैलेंस कैरीडाउन फाइव जीरो फिफ्टी थाउजेंड एंड हेयर ऑल्सो फाइव जीरो फिफ्टी थाउजेंड ओके एंड हेयर यू विल हैव फिफ्टी 50000 बस कुछ भी नहीं करना है डेप्रिसिएशन तो है नहीं पूरा टेंशन तो डेप्रिसिएशन का है तो एसेट अकाउंट इज वेरी इजी तो फर्स्ट अप्रैल 2016 को वी विल हैव टू बैलेंस ब्रॉट डाउन फिफ्टी 50000 नाउ इन दिस ईयर हमने एक और एसेट परचेस किया है लुक हियर ऑन फर्स्ट अक्टूबर 16 वी परचेस 10000 का मशीन तो फर्स्ट अक्टूबर 16 टू कैश अकाउंट वी हैव परचेस्ड अन मशीन मशीन नंबर थ्री एंड वी परचेस्ड फॉर टेन थाउजेंड सेल हुआ है ऑन फर्स्ट अप्रिल टू थाउजेंड सेवेंटीन देखो अप्रिल सेवनटीन है तो यह नेक्स्ट ईयर में चला जाएगा ओके okay? सो so, कुछ भी नहीं है इन दिस ईयर सो ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च सेवनटीन क्लोज दिस एसेट अकाउंट अब तक तो कोई सेल नहीं हुआ है सो इट इज सिक्सटी थाउजेंडर ऑल्सो वी हैव सिक्सटी थाउजेंड एंड बैलेंस इज सिक्सटी थाउजेंड तो ऑन फर्स्ट ऑफ अप्रिल टू थाउजेंड सेवेंटीन आई विल है Brought down 60,000. But when I sell the asset, they go first April 17. Ko, we have sold the asset. When we sell the asset, then what do we get? We get money by cash. Yes, but please note.

कितना लिखेंगे कितना क्रेडिट करेंगे और कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में ओके वी सोल्ड फॉर थ्री थाउजेंड उसमें कुछ भी नहीं करना है सो इट मींस सेट अब ये ईयर खत्म होगा थर्टी फर्स्ट मार्च एटीन एंड आई विल राइट बाय बैलेंस डाउन और कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन आपसे ये है कितनी बैलेंस होगी इसमें परफेक्ट होगी और ये 50, में मुझे बताओ मशीन वन कितना होगा थर्टी थाउजेंड का था दस हजार का बेस दिया तो ट्वेंटी ट्वेंटी थाउजेंड मशीन टू कितने का होगा ट्वेंटी हाँ वो भी ट्वेंटी का लिया था और मशीन नंबर थ्री टेन थाउजेंड टेन थाउजेंड बस यानी एसेट अकाउंट में तो कुछ भी नहीं करना है तो एग्जाम में अगर ये मेथड आती भी है अगर आज का सेशन आपने समझ लिया तो कहना ही से आपको तो फ्री के मार्क्स मिल जाएंगे प्रिपेयरिंग एसेट अकाउंट में तो कुछ भी नहीं करना है अब जो भी सोचना होगा वो होगा डेप्रीशिएशन अकाउंट में

जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने किए जर्नल एंट्री बताई ना तो जब हम लेजर में पोस्टिंग करते हैं ना लुक हियर ये है मैं इसकी फेक दे रहा हूँ कितना करना है ओरिजिनल कोस्ट अब सपोर्ट में या तो आप तीनों अकाउंट लिखो अल्टीमेटली होना क्या चाहिए एसेट अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड विथ ओरिजिनल कोस तो मैं क्या है वो डायरेक्टली कर रहा हूं ओके मैं अलग अलग

जो उस मेथड में करना था और यहां पर ओरिजिनल कोर्स क्रेडिट करना है जो आप डायरेक्टली अब इन तीनों में से मेजर अमाउंट को अकाउंट कौन सा होगा कैश होगा ज्यादातर इसमें होगा तो वी कैन राइट कैश अकाउंट तो ये पोस्टिंग का एक शॉर्टकट है नाउ क्लियर यस सर ओके सो

एंड सम पर्सन विल फील दर ये सिलेबस में नहीं है ये वो मुझे बताइए यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन और फॉर द प्रैक्टिकल लाइफ प्रैक्टिकल लाइफ दूसरी चीज है कि आप अकाउंटिंग सिर्फ प्रोपराइटर शिप फर्म एंड पार्टनरशिप फर्म छोटे बिजनेस की करोगे या कंपनी की भी आपको क्या है कि जरूरत पड़ सकती है

तो मैं ऐसे क्वेश्चन भी पूछूंगा कि सीधा प्रैक्टिकली आपको पता होना चाहिए कि हाउ अब तक कोई भी एसेट नहीं है बट यू नो हम बैलेंस शीट पहले बनाते हैं जर्नल एंट्री बाद में होती है एंड अब जो आप कर रहे हो आप क्या कर रहे हो जर्नल एंट्री लेचर ट्रायल बैलेंस नो एंड में फिर आप क्या है बैलेंस शीट बनाते हो तो ऊपर से नीचे आना तो इजी होता है नीचे से ऊपर आना भी आपको आना चाहिए ओके जब आप छोटे थे तो वन टू टेन काउंट जल्दी सीख गए लेकिन टेन टू वन काउंट करने में टाइम लगा सो दिस इज द सेम थिंग तो पहले सीधा सही सीख लो उल्टा करना सीख जाओगे चलिए बाय बाय डे